हेलो नमस्कार, वीरेंद्र कुमार चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण की मांग को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है और अतिथि शिक्षकों ही शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य निश्चित होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। इनने बोला है सरकार से कि इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सभी बोल रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। उन्हीं के कारण शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल पा रही है कम वेतन में। तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए। तो द लपेटा ने मुद्दे को उठाया है और अतिथि शिक्षकों से पूछा है और सरकार से भी जवाब मांग गया है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कब तक होगा। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी, घोषणाएं बहुत हुई थी, उनका हर्ष क्या हुआ वो हमने देखा। लेकिन इन सबके बावजूद मुझे अच्छे से याद है कि खुद मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापित किया था, एक तरीके से एहसान माना था मध्य प्रदेश के उन तमाम हजारों अतिथि शिक्षकों का। ये कहा था कि आप ही की वजह से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था टिक पाई। सरकार ने दरअसल शिक्षकों की भर्ती की नहीं, उस स्थिति परिस्थिति में अतिथि शिक्षकों के बूते व्यवस्था टिकी। लेकिन मौजूदा स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस तरह का बयान दे दिया है जिसको लेकर ये समझ में नहीं आता कि किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। अतिथि शिक्षक, उनमें से कई जिन्होंने 14 साल 15 साल तक काम किया है, इसी महकमे की शिक्षा व्यवस्था को संभाला है, क्लासेस उनके बूते लगी हैं, ठीक वैसा ही काम किया है जो बाकी रेगुलर टीचर्स ने किया, कई बार तो उससे ज्यादा भी उनका कहना था कि हमें करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी ने एक दिन भी शिक्षा दी हो किसी को, तो वो शिक्षक आदरणीय है। लेकिन मेरे कहने की बात नहीं, हम अतिथि शिक्षकों से जानेंगे कि उनके दिल पर क्या बीती होगी जब मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री ने यह कुछ कहा होगा। जरा सुनिए मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री साहब ने कहा क्या, और उसके बाद फिर हम जानेंगे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से ही कि क्या वे केवल अतिथि हैं, क्या अतिथि होते हैं 2-4 दिन के होते हैं या सालों के होते हैं, 14-15 सालों के होते हैं। लेकिन पहले सुनिए कि आखिर मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या कह दिया। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। तो ये अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बयान है उसको प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे साथ में रवि पाटिल जी मौजूद हैं, मुकेश कुमार जोशी जी हैं, संतोष कहार साहब है छिंदवाड़ा से। जोशी जी, मेरा सबसे पहले, आप तक पहुंच ही गया होगा, कुछ तकनीकी त्रुटि, हम वो बयान नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप तक तो पहुंच ही गया होगा। अतिथि हो अतिथि ही रहो, घर में घुसने की कोशिश न करो, ये कहते हुए मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जरा बताइए दर्शकों को, क्योंकि हम तो कई बार बता चुके हैं कि आखिर खुद मुख्यमंत्री उस वक्त के शिवराज सिंह चौहान ने माना था कि मध्य प्रदेश की अगर शिक्षा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा व्यवस्था टिकी अतिथि शिक्षकों के भरोसे है, तो ऐसे में जरा बताइए, अतिथि तो 2-4 दिन के होते हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे स्कूली शिक्षा मंत्री को उनके इस बयान पर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार आदरणीय भुवनेश जी। नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़, हमारे सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे, जो इस व्यवस्था की नींव रखे गए 2007 में, और आदरणीय लक्ष्मण सिंह गौड़ आज तो ब्रह्मलीन हो गए, भगवान की सृष्टि में समा गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा होगा। और आज उनकी भी आत्मा रोती होगी कि जिस पौधे को वो लगा कर गए थे, उस पौधे को आज उनकी ही सरकार का एक शिक्षा मंत्री इस तरह से गाली देने का कार्य कर रहा है। आज जब पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अतिथि शिक्षक ने अपने घर के जैसे, अपने परिवार के लिए के जैसे पूरे संभाल के रखा, बहुत कम वेतन में पूरी शिक्षा व्यवस्था को चलाया, स्कूलों का ताला खोलने से लेके पूरी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था जी, पूरी व्यवस्था के बाद एक बार सुन लेते हैं जरा वो। अब हमारे जो सहयोगी, उन्होंने वो बयान लगा दिया है, अगर लगा दी जी। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका, अतिथि, आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर जो जहां पर गैप है, जहां शिक्षक कम है, वहां उनको लगाया जाता है। अब चलिए, सुन लिया जोशी जी, मेहमान बन के आए हो तो घर पे कब्जा करोगे क्या, आप बताओ। मेहमान बनने का तो सवाल ही नहीं है सर, मेरी बात सुनिए, 15 वर्षों का कोई मेहमान होता है, एक दिन का होता है,
दो दिन का होता है, तीन दिन का होता है, एक महीने का हो सकता है, लेकिन 16-16, 15-15 वर्षों तक क्या कोई मेहमान रहता है क्या? जो शिक्षा मंत्री खुद मध्य प्रदेश में एक साल पहले एंट्री पाकर सांसद से यहाँ पर विधायक बने और विधायक बनकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री बन के आए हैं, तो हमारा 16 वर्ष और उनका एक वर्ष तो मेहमान तो आप हैं सबसे पहले माननीय, आप हमारी पीड़ा को क्या समझ पाएंगे? मेहमान 16 वर्ष का जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है वो व्यक्ति मेहमान नहीं हो सकता। शासन न्यायालय भी अगर कोई व्यक्ति का अगर कब्जा रहता है तो कब्जे में अगर 10 साल से ऊपर अगर वो रह लिया तो उसको कब्जे को उसका मकान सुपरत कर देते, उसका निराकरण करके उसका कब्जे का उसको दिलवाकर उसका मकान दिलवा देते। अगर आप हमको कब्जाधारी अगर मानते हैं तो हमारा 16 वर्ष का जो कब्जा शिक्षा विभाग पर है, मान लिया जाए उस पद पर है, तो हमारी उस नीति के तहत ही निराकरण आप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने कब्जा कर लिया है तो 16 वर्षों का जो हमारा अतिथि मेहमानों का कब्जा है वो कब्जा हमें वापस दे दीजिए। आपसे तो हम यही गुजारिश करेंगे अगर आप कब्जाधारी मानते हैं। लेकिन एक शिक्षक के लिए आपका एक शिक्षा मंत्री होने के नाते इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना, किसी भी स्थिति में गुरुकुल पद्धति की सरकार जो गुरु को एक भगवान का दर्जा देती है, गुरु को एक ईश्वर के समान मानती है, उस देश में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमः, उस देश का शिक्षा मंत्री और उस पार्टी को जो सनातन की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है उसका शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान अगर देता है तो ये आज हमारे शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाला काला दिन है और इस काले दिन को हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है शिक्षा व्यवस्था में हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए। एक बात और बता दीजिए जरा कि मेहमान हो, घर पे कब्जा, जरा बताइए कि इन्हीं मेहमानों ने ही घर चलाया है किस तरीके के साथ, क्योंकि ये बात कोई मेरी कहने की नहीं है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई थी उसमें मंच से इस बात को कहा था, बाकायदा हमने उस खबर को चलाया भी था कि उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाले रखा 2007 से। जरा वो बताइए वो किस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा बताइए कि अतिथि शिक्षक और रेगुलर टीचर के काम में कोई फर्क नहीं था। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। 10:30 बजे अगर नियमित शिक्षक स्कूल पहुंचता है तो 10:30 बजे ही अतिथि शिक्षक और उसके 15 मिनट पहले का फरमान उसको दिया जाता है और 15 मिनट पहले पहुंच के और जब परमानेंट शिक्षक स्कूल से निकल जाता है उसके 15 मिनट बाद अतिथि शिक्षक उस स्कूल से ताला बंद करवा के वहां से निकलता है 15 मिनट बाद, और सारी व्यवस्था उसकी स्कूल की जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्था पूरी की पूरी, यहाँ तक कि विद्यालयों के लिए कोई अगर सामान भी लेकर आना है तो वो चपरासी का काम भी अतिथि शिक्षक से करवाया जा रहा है। तो आप मेहमान तो मान ही नहीं सकते किसी भी तरह आदरणीय। और दूसरी बात, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब खुले मंच से कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाल कर इस मध्य प्रदेश के इतिहास को गौरवशाली शिक्षा व्यवस्था में बनाने का कार्य किया है। लेकिन जब आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली यहां से चले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन शायद हमारे लिए वही था कि महापंचायत होने के बाद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब विदाई यहां से हुई तो हमारा दुर्भाग्य उसी दिन से प्रारंभ हो गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी से जब हम उसके बाद मिले, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और हमारी ही लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद का चुनाव लड़े, 5 मिनट की वार्ता उन्होंने हम अतिथि शिक्षकों के से की थी और उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि आप बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, अगर मध्य प्रदेश में कोई तुम्हारा संरक्षक है, तुम्हारा पिता अगर जिंदा है, एक पिता की तरह तुम्हारा संरक्षक बनकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मेरे जो वचन है वो पत्थर की लकीर है, इस पत्थर की लकीर को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आज की जो ये स्थिति निर्मित हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता मानते हैं या शिवराज सिंह चौहान की कोई बात को अपना वचन मानते हैं। उनको ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री या तो लोगों की नजर से डिलीट करना चाहते हैं उनके किए गए कार्यों को, या मध्य प्रदेश में उनका अस्तित्व मिटाने का यह प्रयास कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जा रहा है। चलिए जोशी, और भी आप हमारे साथ में अतिथि शिक्षक मौजूद हैं, रवि जी मौजूद है। रवि जी आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, संतोष कहार जी हैं छिंदवाड़ा से। रवि जी मैं आपके पास आता हूँ, माइक को अनम्यूट कर दीजिए सर, MIC लिखा है वहां पे क्लिक कर लीजिए एक बार। चलिए मेरी नहीं एक बार फिर क्लिक, हाँ मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी आ रही है। रवि जी आप भी कुछ कहना चाहते होंगे इस वक्त जब शिक्षा मंत्री अतिथि शिक्षकों को कह रहे हैं कि मेहमान हो, घर पे कब्जा मत करो, तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमने ये लाइव इसीलिए कहा है कि आप कहें उनको सीधे, ये लिंक इतनी ज्यादा शेयर हो कि मंत्री जी तक पहुंचे और उन्हें कम से कम पता चले कि उन्होंने क्या कह दिया है। जी जी मैं यही कहना चाहता हूं सर कि आज का जो बयान शिक्षा मंत्री जी ने दिया है वो 70,000 अतिथि शिक्षकों के सम्मान को बहुत बड़ी ठेस है। आज उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक मेहमान है, तो मेहमान कितने दिनों का,
नहीं, 17-17 साल, 16-16 साल से हम शिक्षा को, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर परिणाम हमने दिया है, अच्छा शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। 2007 और 8 से शिक्षा व्यवस्था या सरकार ने चालू की थी, तब से अतिथि शिक्षक निरंतर ग्रामीण अंचलों में अपनी सेवाएं दे रहा है और इसी आस के साथ में दे रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका भविष्य सुरक्षित होगा। और आज जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है उससे मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षकों के सम्मान के साथ बहुत बड़ी ठेस है, उनके सम्मान को इन्होंने ठुकरा दिया है। और 2013 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने अंत्योदय मेले में कहा था कि अतिथि शिक्षकों को संविदाशाला शिक्षक बनाया जाएगा, वो भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। 2018 में उन्होंने महापंचायत बुलाई, महापंचायत ने सबको, इतनी बड़ी अतिथि शिक्षकों को उन्होंने सौगात दी है कि भाई बोनस अंक देंगे, विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाएगा, किसी भी अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा, ये भी इनके आदेश आज तक नहीं हुए। फिर 2018 में इनके आदेश नहीं हुए, 10 सितंबर 2024 को अंबेडकर पार्क में हजारों अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि भाई आपकी जो तात्कालिक मांग है उसको हम गंभीरता से लेते हैं और उन हमारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज के बयान से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ना ही शिक्षा मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री जी अतिथि शिक्षकों के हित में कोई नीति बना रहे हैं, ना ही कुछ, केवल यूज एंड थ्रो की तरह हमको उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है। अब हमको नहीं लगता कि अतिथि शिक्षकों का कुछ भविष्य सुरक्षित होगा आज के बयान से। जी ये जो बयान है ये दरअसल ये बताता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए जो किए गए वादे पूरे करना तो दूर, सरकार का नजरिया क्या है। अगर आपकी सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं कि मेहमान ही रहो, घर पे कब्जा मत करो, तो ये इस तरह की अगर बात होती भी है तो उससे कम से कम एक सरकार की मंशा प्रकट होती है, तो ये तो बहुत ही निराशा पैदा करता है ना। जी बिल्कुल निराशाजनक है सर, सरकार से अब किसी प्रकार की कोई संभावना हमको दिखती नहीं है, हमको केवल यूज एंड थ्रो की भांति उपयोग करते हैं, काम हुआ और निकाल के फेंक दिया। जुलाई, अभी देखिए सितंबर महीना चल रहा है, अभी तक अधिकांश स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाई है, फिर अप्रैल में हमको निकाल दिया जाता है, फिर वो जुलाई में सेशन चालू होता है, बल्कि जून में सेशन चालू हो जाता है, और जून में सेशन चालू होने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अगर ये अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे तो देखिए इनको कोई मतलब नहीं है सर, शिक्षा व्यवस्था से ना स्कूली शिक्षा बच्चों से किसी प्रकार का इनको कोई लेना देना है नहीं, केवल ये केवल अपनी वाहवाही में लुटे हैं, वाहवाही करते जाते हैं और बताते जाते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा नंबर वन है, कहीं कुछ नंबर वन नहीं है, सब पीछे ही पीछे मध्य प्रदेश चलते जा रहा है। 70,000 लोगों के साथ ही खिलवाड़ कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है, तो बेरोजगार है, युवा है, अपने किसान भाई है, इनके साथ में क्या करते होंगे इन लोग, ये बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है। हम तो इस सरकार से अब कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, बस हम ये चाहते हैं कि आप जैसा भी करना चाहे करें, लेकिन इसके बाद अगर हमारी जो मांगे हैं ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम फिर भोपाल की सड़क पर आएंगे और 2 अक्टूबर का हमारा जो प्लान है वो 2 अक्टूबर में हम हजारों की संख्या में आएंगे और सरकार को फिर चेतावनी देंगे कि अगर अतिथि शिक्षकों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ तो हम सारे अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में शिक्षा देने से हम अब हमारा कोई रुझान नहीं है, उस पर हम छोड़ देंगे। 70,000 अतिथि शिक्षक, अगर आज की स्थिति में 70,000 अतिथि शिक्षक अगर स्कूलों में न जाए तो शिक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है, आप ये भली भांति जान सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुनने से अगर शिखर तक किसी ने पहुंचा है तो अतिथि शिक्षक को इसका अहम रोल है, ये बात शिक्षा मंत्री जी को नहीं भूलना चाहिए। सब शिक्षा मंत्री बहुत संवेदनशील है, इस प्रकार का बयान से अतिथि शिक्षक के मन में बहुत बड़ी पीड़ा उत्पन्न हो रही है, इसका हम बयान नहीं कर सकते।